वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बात एंड बॉल। मैं आपका होस्ट दोस्त ध्रुव राज वशिष्ठ। जी हाँ, आज हम आप पहुंचे हैं जयपुर एकेडमी। एज यू कैन सी द प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग ओवर देयर। रोहित सर हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं एंड ही विल टेल अस अबाउट दी सम विकेट कीपिंग स्किल्स एंड वी विल ग्रैब दैट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, बहुत कुछ है सीखने को हमारे पास, इनके पास हमें सिखाने के लिए, हमारे पास सीखने के लिए इनसे। देखिए, सब लोग देख रहे हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया सेकंड ओडीआई। प्रशांत रिव्यू करेंगे मैच का रात को, मैच खत्म होते ही। लेकिन आप लोग मैच देखिए, तब तक हम शूट करते हैं ताकि आप लोग हमारा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। बहुत जरूरत है उस चीज की। टिल द टाइम कीप वॉचिंग बात एंड बॉल। रोहित सर बस जुड़ने वाले हैं अभी। हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहित जलानी, आई एम जयपुर क्रिकेट एकेडमी विद माय फ्रेंड ध्रुव। गाइस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन क्रिकेट आई फील इज विकेट कीपिंग, बिकॉज यू आर इन द गेम थ्रू आउट द गेम ऑन एवरी बॉल एंड एवरी टाइम एंड एवरी मिनट ऑफ द गेम यू आर इन। So it's, I feel it's a most interesting and more most enjoyable job to do. Keeping, the most important thing I feel is your handwork. Because the best way to take the ball, the best way to keep the stumps is how you receive the ball. The most important thing in wicketkeeping is receiving. Receiving or soft hands. Jitna jyada haath soft rakhenge, jitna hum haath ko softly use karenge, utna achha ball aapke haath mein aayega. इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, एक आप बॉल लीजिए दीवार पे मारिए वो रिमाउंड होती है, एक बॉल नेट में मारिए फंसती है और वहीं रुक जाती है। तो इम्पोर्टेंट है आपका सॉफ्ट हैंड का होना। जितना आप हाथों को नेट की तरह यूज करेंगे, जितना सॉफ्ट रखेंगे, जितना अच्छा रिसीव करेंगे बॉल, उतना अच्छा आपके हाथ पे सेटल होगा। मैं कुछ तरीका बताऊंगा आपको बॉल पकड़ने के लिए, वो मैं चाहूंगा यदि आप कीपिंग करते हैं तो बिल्कुल ट्राई करें। एक छोटी सी चीज बताऊंगा मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आपका हाथ है, इसको जितना हार्ड रखेंगे दबाने पे बंद नहीं होगा, जितना सॉफ्ट रखेंगे हाथ खोलेंगे हाथ लगाते ही बंद होता है। तो जब बॉल इंपैक्ट करेगी तो अपने आप हाथ बंद होगा। इसलिए पहली चीज है अपने हाथ को टाइट ना रखें, अपने हाथ को बिल्कुल सॉफ्ट रखें, हाथ पूरा यूज करें और जैसे ही बॉल लगेगी हाथ अपने आप बंद होगा। आप ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे इस पॉइंट पे बॉल लगता है अपने आप हाथ बंद होता है। अब रिसीविंग कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। हमीर, सबसे इम्पोर्टेंट कीपिंग में आजकल जो है वो है इक्विपमेंट्स। तो यू शुड हैव गुड ग्लव्स, मैंने इनर नहीं पहन रखे लेकिन यू शुड वेयर इनर्स। आजकल हेलमेट भी कंपलसरी है, गुड लेग गार्ड, एब्डोमेन गार्ड, एवरीथिंग। जैसे हम बात कर रहे थे रिसीविंग के ऊपर, पहली चीज है आपका हाथ जितना खुलेगा, जितना बड़ा कप बनेगा उतना अच्छा बॉल आपके हाथ में सेटल होगा। ये देखिए, देखिए मेरा हाथ पूरा खुल रहा है पर हाथ टाइट नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाथ हरदम सीधा रखें, हाथ कहीं भी लॉक ना करें। हाथ लॉक करते आपके ये एल्बोज टाइट होंगे और बॉल फंबल होने के चांसेस बनेंगे। तो हाथ सॉफ्ट करने के लिए बिल्कुल इजी रखिए हाथ को, जितना बड़ा कप आप बना सकते हैं और जितना लंबा आप रिसीव कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे आईसाइट के सामने से मैं हाथ लेके आता हूं, जितना मैं रिसीव करता हूं उतना अच्छा बॉल मेरे हाथ में सेटल होगा। मैं कुछ बॉलें पकड़ के दिखाता हूं आपको, आपको थोड़ा आइडिया होगा। जितना लंबा आप हाथ आगे निकालिए, रिसीव कीजिए, हाथों को आने दीजिए। जैसा आपने देखा होगा कि मैं पूरा हाथ निकाल रहा हूं और बॉल पूरा रिसीव कर रहा हूं। रिसीव करने से आप बॉल के पेस कम कर रहे हैं और फंबल होने के चांसेस कम होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, रिसीविंग के टाइम पे आप देख रहे हैं मैं हाथ ऐसे निकाल रहा हूं, लेकिन जब मैं बॉल पकड़ रहा हूं तो मेरी फिंगर्स नीचे है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिंगर्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग द बॉल शुड बी डाउन। मैं एक दो बॉल और पकड़ रहा हूं, आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ये मैंने हाथ निकाला और जब मैं बॉल पकड़ रहा हूं तो मेरी फिंगर्स नीचे है। जितना आपके हाथ सॉफ्ट रहेंगे, सॉफ्टली चलेंगे, जितना अच्छा रिसीव करेंगे आप, उतना अच्छा बॉल हाथ में आएगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो एज ए कीपर द फर्स्ट थिंग इज टू टेक द बॉल। सॉफ्ट हैंड्स, रिसीविंग इज द की एंड इम्पोर्टेंट थिंग फॉर विकेट कीपर्स। सो गाइज, प्लीज वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज एंड कीप एंजॉइंग क्रिकेट।